खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल परेड चौराहे के पास अचानक हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में एक स्कूटर आ गया और स्कूटर जैसे इसकी चपेट में आया वो जलने लगा और इसी जलते हुए स्कूटर को देखकर उसके मालिक अजय अग्रवाल उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचे और यही लापरवाही उन्हें भारी पड़ गई। करंट की चपेट में वो आ गए स्कूटर को बचाने के चक्कर में। करंट लगने के बाद वो करीब 10 मिनट तक वहाँ तड़पते रहे, लेकिन ना तो मौके पर एम्बुलेंस पहुँची और ना ही करंट डिस्कनेक्ट किया गया। आपको बता दें कि यूपी सरकार का दावा है कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। हाई टेंशन की लाइन में स्पार्क हुआ था और इस तार टूट के उनकी स्कूटर में टच हो गया था, जिससे उसमें आग जलने लगी। वो अपनी स्कूटर हटाने के लिए जैसे बड़े बस वो चपेट में आ गए।